गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये रही हम डॉक्टर प्रदीप कुमार खीचा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, SMB गवर्नमेंट कॉलेज नागद्वारा। छात्रों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट। छात्रों, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स कौन कौन से हैं, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई उनके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम विभिन्न बेसिस के आधार पर पढ़ेंगे। यह हम एक बात रिपीट करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा है, सेक्शन 2H के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया। प्रत्येक वह ठहराव जिसे हम कानून के माध्यम से प्रवर्तित करवा सकते हैं, राजनियम की प्रवर्तनता का गुण जिस ठहराव के अंतर्गत विद्यमान होता है उसको हम वैध ठहराव अथवा अनुबंध संविदा के नाम से पुकारते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के नाम से पुकारते हैं। निर्माण के आधार पर ठहराव को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है वैलिड एग्रीमेंट। वैलिड एग्रीमेंट किसे कहते हैं, वैलिड एग्रीमेंट का मतलब वे एग्रीमेंट जिसमें एक वैध अनुबंध के सभी आवश्यक लक्षण मौजूद हैं, अर्थात ऐसा ठहराव जिसको हम राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवा सकते हैं, राजनियम के जिसमें राजनियम की प्रवर्तनता का गुण विद्यमान है, ऐसे ठहराव को हम वैध ठहराव के नाम से या अनुबंध के नाम से पुकारते हैं। अब वैध ठहराव के आवश्यक लक्षण क्या है, दो पक्षकार होने चाहिए, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, उनके मध्य वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, वैध प्रतिफल एवं उद्देश्य ठहराव का हो, प्रतिफल विद्यमान हो एवं स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं हो, तथा जहां आवश्यक हो वहां पर ठहराव लिखित एवं रजिस्टर्ड भी हो। ये सभी गुण जिस ठहराव के अंतर्गत विद्यमान होंगे वही ठहराव वैध ठहराव के नाम से, अनुबंध के नाम से जाना जाता है। देन दूसरा प्रकार आता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट जिसको हिंदी बोलते हैं व्यर्थ ठहराव। व्यर्थ ठहराव को सेक्शन 2G में एक्सप्लेन किया गया है। जो ठहराव राजनियम के द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, अर्थात एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जिसको राजनियम के माध्यम से, जिसको कानून के माध्यम से पूरा नहीं करवाया जा सकता, ऐसे ठहराव को हम व्यर्थ अथवा शून्य ठहराव के नाम से पुकारते हैं। अर्थात जिस ठहराव के अंतर्गत वैध अनुबंध के लक्षण का अभाव है, जैसे पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं हो, या वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं हो, या वैध प्रतिफल उद्देश्य का अभाव, प्रतिफल नहीं हो, तो ऐसी दशा के अंतर्गत ठहराव व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ ठहराव के अंतर्गत पारिवारिक ठहराव, सामाजिक ठहराव, राजनीतिक ठहराव, धार्मिक ठहराव, अवैध ठहराव, इन सभी को हम शामिल करते हैं। व्यर्थ ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, और जो प्रारंभ से व्यर्थ होता है उसको हम कानून के माध्यम से पूरा नहीं करवा सकते। देन तीसरा जो अनुबंध का प्रकार है वह है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थ अनुबंध। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को समझाया था वॉइड एग्रीमेंट, नाउ आई एम टेलिंग टू यू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट से अनुबंध का निर्माण होता है, ठहराव से अनुबंध का निर्माण होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम अब कानून के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवा सकते। सेक्शन 2G के अंतर्गत वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। एक अनुबंध जो राजनियम से प्रवर्तित होने से रुक जाता है तब व्यर्थ हो जाता है जब वह प्रवर्तित होने से रुकता है। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। अर्थात जब ठहराव किया गया था तब वो वैध अनुबंध था, तो वो वैध ठहराव था, किंतु अब कुछ ऐसी दशाएं उत्पन्न हो गई हैं, कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हो गए जिसके कारण से इस
अनुबंध को हम प्रवर्तित नहीं करवा सकते, इसलिए ये ठहराव, ये अनुबंध क्या हो गया, व्यर्थ अनुबंध हो गया। जैसे विषय वस्तु का नष्ट हो जाना, जिस विषय वस्तु के लिए हमने ठहराव किया था वो नष्ट हो गई। मान लीजिए हमने गाय को खरीदने बेचने का ठहराव किया, गाय ही समाप्त, गाय की मृत्यु हो गई, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत अब उसका प्रवर्तन करना, उसको पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ऐसे जो अनुबंध होते हैं वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। प्रारंभ में ये वैध होते हैं, किंतु अब कुछ दशाओं की उत्पत्ति कारण ये अनुबंध क्या हो गए, ये वॉइड हो गए। अब यहां दिस बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट प्रारंभ से शून्य होता है, व्यर्थ होता है, राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवा सकता। व्यर्थ अनुबंध प्रारंभ में वह राजनियम के माध्यम से प्रवर्तितता का गुण रखता था, किंतु अब किन्हीं कारणों से राजनियम की प्रवर्तितता इसमें रुक गई, इसके कारण ये व्यर्थ अनुबंध हुआ है। व्यर्थ ठहराव में प्रत्यास्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, अर्थात जो हमने ठहराव के अंतर्गत पक्षकारों के द्वारा किसी प्रकार का कोई लेन देन किया गया है तो उनका आदान प्रदान व्यर्थ ठहराव के अंतर्गत नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रारंभ से शून्य है, व्यर्थ है, उसमें राजनियम की प्रवर्तितता का गुण नहीं है। किंतु व्यर्थ अनुबंध के अंतर्गत किसी प्रकार से कोई धन का आदान प्रदान किया गया है तो व्यर्थ अनुबंध के अंतर्गत उसका रेस्टिट्यूशन किया जा सकता है, प्रत्यास्थापना की जा सकती है। व्यर्थ ठहराव प्रारंभ से अप्रवर्तनीय होता, प्रवर्तनीय ही नहीं अवैध भी हो सकता है, जबकि व्यर्थ अनुबंध परिस्थितियों के कारण अप्रवर्तनीय होता है। अनुबंध व्यर्थ तब हो जाता है जबकि अनुबंध को पूरा करना असंभव हो जाए। मैंने अभी तो कुछ देर पहले आपको उदाहरण दिया, विषय वस्तु का नष्ट होना, गाय विषय वस्तु थी, नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, अब अनुबंध को पूरा नहीं किया सकता, इसलिए ऐसा अनुबंध व्यर्थ अनुबंध हो गया। तो व्यर्थ अनुबंध और व्यर्थ ठहराव में बेसिक डिफरेंस यह है कि व्यर्थ ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, जबकि व्यर्थ अनुबंध प्रारंभ के अंतर्गत वैध होता है, किंतु कुछ परिस्थितियों की उत्पत्ति के कारण ये अब प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता, इसलिए व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। इसको सेक्शन 2G के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। देन चौथा क्लासिफिकेशन हम करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसको हिंदी में कहा गया व्यर्थनीय अनुबंध। व्यर्थनीय अनुबंध को एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 2I में। ठहराव जो कि एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर तो प्रवर्तनीय हो लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर नहीं है, व्यर्थनीय अनुबंध कहलाते हैं। स्वतंत्र सहमति सेक्शन 14 के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति को एक्सप्लेन किया गया है। जब सहमति कॉलिजन उत्पीड़न, अंडर इन्फ्लुएंस अनुचित प्रभाव, फ्रॉड कपट या धोखा या मिसप्रेजेंटेशन अर्थात मिथ्या वर्णन इससे प्रेरित होती है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ऐसा ठहराव का प्रवर्तन निर्भर करता है। पीड़ित पक्षकार चाहे तो ऐसे अनुबंध को समाप्त कर सकता है या चाहे तो ऐसे अनुबंध को प्रवर्तित करवा सकता है, अर्थात एक पक्षकार की इच्छा पर जब किसी अनुबंध का प्रवर्तन निर्भर करता हो तो ऐसे ठहराव को हम व्यर्थनीय ठहराव या व्यर्थनीय अनुबंध के नाम से पुकारते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य कारण हो सकते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के। जब ठहराव निष्पादनीय है अर्थात पक्षकारों के द्वारा अपने वचनों का निष्पादन करना बाकी है, एक पक्षकार के द्वारा अपने वचनों का निष्पादन करने से मना कर दिया गया तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत दूसरे पक्षकार के पास में अधिकार है कि वो चाहे तो अनुबंध को समाप्त समझ के या चाहे तो उसका प्रवर्तन कानून के माध्यम से करवा सके। तो ऐसा ठहराव भी क्या हो गया, एक पक्षकार के द्वारा मना करने पर, अपने वचनों का निष्पादन करने से इनकार करने पर ऐसे ठहराव का प्रवर्तन दूसरे पक्षकार की इच्छा पर निर्भर हो गया तो भी यह अनुबंध व्यर्थनीय अनुबंध कहलाएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट प्रकार आता है फॉर्मेशन के आधार पर, डेट इज लीगल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, अवैध ठहराव। अवैध ठहराव ऐसे ठहराव
जो कानून के द्वारा वर्जित हैं, फॉरबिडन बाय द लॉ, जिसको कानून ने मना कर रखा है, जिसको हमारे देश के कानून करने की इजाजत नहीं देते, ऐसे ठहराव अवैध ठहराव के नाम से जाने जाते हैं। और अवैध ठहराव का प्रभाव ये होता है कि वे प्रारंभ से शून्य होते हैं, व्यर्थ होते हैं, राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवाए जा सकते। सेक्शन 23 के अंतर्गत अवैध ठहराव को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 23 में लिखा गया, धारा 23 में लिखा गया, इफ इट इज ए फॉरबिडन बाय द लॉ, जो कानून के द्वारा वर्जित हो। अब कानून के द्वारा वर्जित का मतलब जिसके लिए कानून ने मना कर रखी, तस्करी करना, चोरी करना, डकैती करना, ये हत्या करना, मारपीट करना, ये हमारे देश के कानून इनको करने के लिए परमिशन नहीं देता है, इसलिए ये ठहराव क्या कहेंगे, राजनियम के वर्जित ठहराव है। ठीक इसी प्रकार से यदि वह ठहराव ऐसी प्रकृति का है कि यदि उसकी आज्ञा दे दी जाए तो अन्य कानून की व्यवस्थाएं निष्प्रभावी हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी, तो ऐसे ठहराव भी अवैध ठहराव की श्रेणी में आते हैं। यदि ठहराव कपटपूर्ण है, अर्थात धोखा करने के उद्देश्य से, धोखा देने के उद्देश्य से ठहराव किया जाता है, तो भी वो ठहराव अवैध ठहराव की श्रेणी में आएगा। यदि उस ठहराव का उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हो, मतलब किसी व्यक्ति को बदनाम करना हो, उसकी संपत्ति को तोड़फोड़ करना तोड़ना हो, या उसकी संपत्ति को अवैध रूप से अपने कब्जे में करना हो, तो भी ऐसे ठहराव अवैध ठहराव की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यदि ठहराव अनैतिक प्रकृति का है, जिसके अंतर्गत विषशक्ति, गुंडागर्दी से संबंधित कार्य आते हैं, अगर इन कार्यों को करने के लिए ठहराव किया जाता है, तो उसको हम अनैतिक ठहराव की श्रेणी में रखते हैं, और अनैतिक ठहराव अवैध होते हैं। और फिर बताया गया, यदि वो ठहराव पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति के विरुद्ध है, जन नीति के विरुद्ध है, जैसे अपनी डिग्री को बेचना, किसी व्यक्ति के कारण व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के अधिकार में रुकावट उत्पन्न करना, इस प्रकार के विभिन्न बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो लोक नीति के विरुद्ध होते हैं, जिसका उल्लेख मैं आप लोगों को प्रतिफल से रिलेटेड जब आप लोगों को लेक्चर दिया जाएगा उसमें विस्तार से करूंगा। तो ये सभी जो छह प्रकार की बातें मैंने, छह कंडीशन आप लोगों को बताई, ऐसे ठहराव इन कार्यों को करने के लिए जब ठहराव किया जाते हैं, तो ऐसे ठहराव में उत्पन्न होने वाला प्रतिफल अवैधानिक होता है, और अवैधानिक प्रतिफल वाले ठहराव अवैध होते हैं। अवैध ठहराव का प्रभाव होता है वो शून्य होता है, व्यर्थ होता है, राजनियम के माध्यम से उसको प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता। अब यहां पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, दिस बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। देखिए, ऑल द इलीगल एग्रीमेंट्स आर द वॉइड, जो अवैध ठहराव है वो व्यर्थ है, किंतु और व्यर्थ है, किंतु सभी व्यर्थ ठहराव का इलीगल होना आवश्यक नहीं है। अब जो ठहराव व्यर्थ है वो हो सकता है सामाजिक ठहराव हो, वो हो सकता है राजनीतिक ठहराव हो, वो हो सकता है पारिवारिक ठहराव हो, वो हो सकता है धार्मिक ठहराव हो, या ठहराव के अंतर्गत उस ठहराव में किसी एक गुण के एक जो लक्षण बताए गए हैं अनुबंध के, उन लक्षणों की अनुपस्थिति है, जिसके कारण वो ठहराव व्यर्थ हो गया। इलीगल ठहराव जो सेक्शन 23 में बताए गए कंडीशंस हैं उनसे संबंधित है। तो इलीगल ठहराव तो अवैध होने के साथ साथ में व्यर्थ होते ही, किंतु व्यर्थ ठहराव का अवैध होना अनिवार्य नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है, इलीगल ठहराव के जो संपार्श्विक ठहराव है, जो पैरेलल ठहराव किए जाते हैं, इलीगल ठहराव के पैरेलल जो भी ठहराव कहते हैं, वो भी वॉइड होते हैं, वो भी व्यर्थ होते हैं, किंतु व्यर्थ ठहराव के पैरेलल को ठहराव किया गया है, संपार्श्विक को ठहराव किया गया है, समानांतर को ठहराव किया गया है, तो ऐसा ठहराव व्यर्थ हो अनिवार्य नहीं होता। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि एक्स किसी बैंक में डकैती करना चाहता है, डकैती करने के लिए वो वाई के साथ में एक एग्रीमेंट करता है कि वाई की कार को हायर करता है, वाई 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो हायर कर रहा है, किस कार्य के लिए, बैंक में डकैती करने के लिए। देखिए, डकैती करना इलीगल एक्टिविटी है, राजनियम के द्वारा वर्जित है, तो एक्स के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो तो अवैधानिक हो ही गया, किंतु एक्स के द्वारा वाई के साथ में एग्रीमेंट किया गया टैक्सी हायर करने का, ये एग्रीमेंट इलीगल तो नहीं है, किंतु ये इलीगल एक्टिविटी को करने के लिए किया गया है, मतलब संपार्श्विक ठहराव है, इसलिए ऐसा ठहराव भी व्यर्थ है। वाई उस टैक्सी के भाड़े को कानून रूप से एक्स से प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ठहराव व्यर्थ हो गया, शून्य हो गया। तो व्यर्थ ठहराव के संपार्श्विक जितने भी अवैध ठहराव के संपार्श्विक जितने भी ठहराव होते हैं, वो ठहराव भी
व्यर्थ होते हैं, शून्य होते हैं, कानून के माध्यम से उनको हम पूरा नहीं करवा सकते हैं। जबकि व्यर्थ ठहराव के संपार्श्विक ठहराव का व्यर्थ होना अनिवार्य नहीं है, ऐसे ठहराव वैध भी हो सकते हैं। देन अवैध ठहराव के संदर्भ में एक और बात महत्वपूर्ण होती है कि अवैध ठहराव जो होता है वो ठहराव दंडनीय प्रकृति का होता है, अर्थात जो व्यक्ति इलीगल एक्टिविटी कर रहा है उसके संदर्भ में हमारे संबंधित कानून के माध्यम से दंड के प्रावधान दिए गए हैं, वहां पर दंड दिया जा सकता है। जबकि जबकि व्यर्थ ठहराव के संदर्भ में पक्षकारों को दंडित किया जाना अनिवार्य नहीं होता है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के मध्य होता है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट प्रकार आता है अप्रवर्तनीय अनुबंध, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसके अंतर्गत एक वैध अनुबंध के सभी लक्षण मौजूद हैं, किंतु संबंधित राजनियम के माध्यम से जो कानूनी औपचारिकता की बात कही गई है उनकी पालना नहीं हो पाई। जैसे मान लीजिए हम संपत्ति के लेन देन का ठहराव करते हैं, तो ऐसे संपत्तियों के लेन देन के ठहराव के संदर्भ में संबंधित कानून के द्वारा ये नियम है कि ऐसा ठहराव लिखित होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, आवश्यक स्टैंप ड्यूटी इसके अंतर्गत होनी चाहिए। हमने ऐसा ठहराव मौखिक कर लिया, इसको हमने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो ऐसा ठहराव कहलाएगा अप्रवर्तनीय अनुबंध। ऐसा अनुबंध अप्रवर्तनीय कहलाएगा क्योंकि इसका प्रवर्तन इसलिए रुक गया क्योंकि हमने कुछ कानूनी औपचारिकताओं की पालना नहीं की। अगर संबंधित कानून के माध्यम से जहां कानूनी औपचारिकताओं की पालना करना अनिवार्य हो तो ऐसे अनुबंध का प्रवर्तन नहीं हो सकेगा क्योंकि उनके हमने पालना नहीं की, तो इसको हम बोलते हैं अप्रवर्तनीय अनुबंध, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम उसकी कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति कर लेंगे ऐसा अनुबंध राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवाया जा सकता है। देन इसके पश्चात फॉर्मेशन के आधार पर, निर्माण के आधार पर हम तीन प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट बतलाते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, स्पष्ट ठहराव, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, गर्भित अनुबंध और तीसरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अर्ध अनुबंध। सबसे पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, स्पष्ट अनुबंध के बारे में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। स्पष्ट अनुबंध क्या, जब पक्षकारों के द्वारा लिखित अथवा मौखिक रूप में स्पष्ट रूप से प्रस्ताव स्वीकृति का आदान प्रदान किया जाता है, पक्षकारों के द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति के माध्यम से ठहराव और अनुबंध का निर्माण किया जाता है, स्पष्ट रूप से जब ठहराव और अनुबंध का निर्माण किया जाता है तो ऐसे ठहराव को हम स्पष्ट अनुबंध के नाम से पुकारेंगे क्योंकि यहां पर हर बात स्पष्ट है, दोनों पक्षकारों ने अनुबंध से संबंधित समस्त बातों का उल्लेख कर दिया है, समस्त शर्तों का उल्लेख किया है, दूसरे पक्षकार ने स्पष्ट रूप से अपनी सहमति व्यक्त करके अनुबंध का निर्माण किया है, स्पष्ट है। दूसरी बात आता है इम्प्लाइड, जब पक्षकारों के द्वारा अनुबंध का निर्माण स्पष्ट रूप से नहीं किया था किंतु अपने आचरण अथवा व्यवहार के माध्यम से कर दिया जाए। जैसे मान लीजिएगा हम बस स्टैंड पे एक बस के अंतर्गत एंटर होते हैं, बस में बैठ जाते हैं, बस के ड्राइवर के द्वारा बस स्टार्ट करके रवाना की जाती है, कंडक्टर जब किराए की मांग करता है तो यहाँ इम्प्लाइड है कि हमें उस किराए का भुगतान करना पड़ेगा। न तो हमने कंडक्टर कहा कि मुझे गंतव्य पे पहुंचाओ, और कंडक्टर ने ही कहा कि ने भी ये नहीं कहा कि आपको उस गंतव्य पहुंचाने के लिए मैं आपसे किराया लूंगा, किंतु हमने इस प्रकार का आचरण व्यवहार किया, दोनों पक्षकारों ने इस प्रकार का आचरण व्यवहार किया, इससे ये स्पष्ट होता है कि एक पक्षकार ने प्रस्ताव रखा और दूसरे पक्षकार ने उसने सहमति व्यक्त कर ली। तो ऐसा अनुबंध जिसमें पक्षकारों के आचरण और व्यवहार के माध्यम से अनुबंध का निर्माण होता है तो उसको हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, गर्भित अनुबंध के नाम से पुकारते हैं। और तीसरा था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अर्ध अनुबंध, जब पक्षकारों के द्वारा न स्पष्ट रूप से न गर्भित रूप से अनुबंध किया जाता है, अपितु जब अनुबंध को राजनियम के माध्यम से थोपा जाता है। सेक्शन 71 से लेकर सेक्शन 75 तक पांच प्रकार के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन किए गए हैं हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। तो जब कानून के द्वारा पक्षकारों के ऊपर वैधानिक दायित्व की उत्पत्ति की जाती है तो ऐसे अनुबंधों को हम अर्ध अनुबंध के नाम से पुकारते हैं। पक्षकार न तो स्पष्ट रूप से या गर्भित रूप से प्रस्ताव रख रहा है, नहीं दूसरे पक्षकार के द्वारा उस पर सहमति व्यक्त की जाती है, किंतु दोनों के मध्य क्या हो गया, वैधानिक दायित्वों की उत्पत्ति होगी। जैसे एक्स पक्षकार के द्वारा
दूसरे पक्षकार के लिए कार्य कर लिया गया। अब दूसरे पक्षकार के द्वारा कार्य कर लिया गया तो यहां पर एक्स वाई दूसरे पक्षकार से उस कार्य के संदर्भ में जो भी उसका भुगतान बनता है वो प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अब यहां भी वाई कहता है कि सर मैंने तो आपको नहीं कहा था कि आप मिलकर कार्य किया, आपने स्वेच्छा से कार्य किया, स्वेच्छा से किए गए कार्य के संदर्भ में अगर मैंने कोई वचन दे दिया तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये पांच प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 71 से लेकर 75 तक बताए गए, इसको आगे आपको विस्तार से एक्सप्लेन किया जाएगा। देन इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट के जो नेक्स्ट प्रकार एक्सप्लेन किया गया वो है निष्पादन के आधार पर अनुबंध का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये दो प्रकार का होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट निष्पादित अनुबंध, ऐसे अनुबंध जिसमें पक्षकारों के द्वारा अपने दायित्वों को पूरा कर लिया गया है, पक्षकारों के द्वारा अपने अपने दायित्वों को अपने अपने दायित्व का निष्पादन कर लिया गया है। तो जो भी उनका लीगल ऑब्लिगेशन है उनके द्वारा उसको पूरा कर लिया गया तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसको हम पूर्ण अनुबंध के नाम से भी पुकार सकते हैं। दूसरा प्रकार बताया गया एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादनीय अनुबंध। निष्पादनीय अनुबंध होता है जिसमें पक्षकारों के द्वारा अपने वचनों का निष्पादन करना शेष है, पक्षकारों के द्वारा अपने वचनों का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब वचनों का निष्पादन यह एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट भी दो प्रकार का होता है, एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंध, द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंध वो अनुबंध होता है जिसमें अनुबंध के दोनों ही पक्षकार, वचनदाता और वचन ग्रहीता, दोनों ही पक्षकारों के द्वारा अपने अपने वचनों का निष्पादन करना शेष है, दोनों ही पक्षकारों ने अपने अपने वचनों का निष्पादन नहीं किया, ऐसे अनुबंधों को हम निष्पादनीय अनुबंध के नाम से पुकारते हैं। बायलैटरल निष्पादनीय अनुबंध के नाम से, द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंध के नाम से पुकारते हैं। दूसरा था यूनिलैटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात जब अनुबंध के एक पक्षकार के द्वारा अपने वचनों का निष्पादन करना शेष है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत इसको हम एक पक्षीय निष्पादनीय अनुबंध के नाम से जानेंगे। वो पक्षकार भी, एक पक्षीय पक्षकार भी अपने वचनों का निष्पादन पूर्ण कर लेगा, अनुबंध समाप्त हो जाएगा। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमने विभिन्न आधारों पर कॉन्ट्रैक्ट का हम वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से मैं आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।